नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लाउडस्पीकर की आवाज कम करने का आदेश अपने मठ में लागू कराया, इसलिए यूपी का दिल जीता है योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर में स्थित नाथ संप्रदाय के प्रमुख मठ गोरक्षपीठ में लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। इस मठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ हैं, जो लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने देश में बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल के मद्देनजर 3 दिन पहले एक आदेश जारी किया था कि धर्म स्थलों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया और फिर पहल भी अपने ही मठ से की। ये ऐसी पहल है जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। आम तौर पर मुख्यमंत्री से जुड़ी संस्थाओं को सरकारी आदेशों से ऊपर समझा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दिखा दिया है कि शासन के आदेश सभी के लिए समान रूप से लागू होंगे। यदि वो चाहते तो अपने मठ में ये आदेश लागू नहीं होने देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर बता दिया है कि यूपी के लोगों के दिल में उनके लिए इतना समर्थन क्यों है। एक मुख्यमंत्री के रूप में इससे बेहतर पहल नहीं हो सकती थी। इसने पूरे देश को शासन का नया रास्ता दिखाया है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कम से कम सियासत के चश्मे से देखा जाना उचित नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि इसका सियासी असर दीर्घकालिक होगा। योगी आदित्यनाथ की इस पहल के विभिन्न पहलुओं को समेटती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। आज शुरुआत एक सुनी सुनाई कहानी से करते हैं। महात्मा गांधी के पास एक वृद्ध महिला अपने बेटे के साथ गई और गांधी जी से कहा कि उसका बेटा गुड़ बहुत खाता है। गांधी जी ने उस महिला से 1 महीने बाद आने को कहा। 1 महीने बाद महिला फिर अपने बेटे के साथ गांधी जी के पास पहुंची। तब गांधी जी ने उस लड़के से गुड़ खाना छोड़ देने को कहा। महिला ने उनसे कहा कि ये बात तो वो 1 महीना पहले भी कह सकते थे। इस पर गांधी जी ने जवाब दिया, मैं भी बहुत गुड़ खाता था, पिछले 1 महीने से मैंने ये आदत छोड़ दी है, इसलिए अब मैं इस लड़के को सलाह देने योग्य हो गया हूँ। बहुत से लोगों ने यह कहानी सुनी होगी। कर्मयोगी ऐसे ही व्यक्ति को कहते हैं जो अपना फैसला सबसे पहले खुद पर लागू करता है। इस मायने में लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले योगी आदित्यनाथ ने खुद को कर्मयोगी साबित कर दिया है। उन्होंने बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस नहीं निकलने के साथ ही धर्म स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से दूसरों को असुविधा नहीं होने संबंधी निर्देश जारी किया था। देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहार के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के मद्देनजर योगी के इस आदेश पर उनके ही मठ में स्थित गोरख मंदिर की तरफ से नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। मंदिर परिसर में लगे लाउडस्पीकर की आवाज भी धीमी कर दी गई है। गोरखपुर में नाथ संप्रदाय के सिद्ध पीठ गोरक्षनाथ मंदिर परिसर, श्रीमान सरोवर मंदिर परिसर और श्री मंगला देवी मंदिर परिसर के लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। अब मंदिर परिसर के बाहर आवाज नहीं जाएगी। इसी तरह मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से भी लाउडस्पीकर को हटा लिया गया है। सीएम योगी ने कहा था कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है। सीएम ने ट्वीट कर स्पष्ट कहा था कि कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना पूर्व अनुमति के नहीं निकाला जाए। साथ ही उन्हीं जुलूसों की अनुमति दी जाए जो पारंपरिक हों। शांति सौहार्द कायम रखने के संबंध में भी शपथ पत्र लिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। मुख्य मंदिर परिसर में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करने के साथ ही उन्हें सड़क बाजार और सार्वजनिक स्थलों से भी हटा लिया गया है। इसी तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की चोटी पर लगी तो रही लाउडस्पीकर की आवाज अब नहीं सुनाई देगी, इसे बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व मंदिर में मंगला आरती के वक्त लाउडस्पीकर बजता था। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर के अंदर बजने वाले भजनों की आवाज भी
धीमी कर दी गई है ताकि आवाज परिसर के बाहर न जाए। मामला इतने पर खत्म नहीं होता। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य भर में करीब 1.5 लाख छोटे बड़े धार्मिक स्थलों को नोटिस दिया गया है। इनमें 1 लाख के करीब मंदिर, 40,000 के करीब मस्जिद और 10,000 अन्य धर्म स्थल शामिल हैं। इन सभी को राज्य सरकार के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है। योगी आदित्यनाथ की ये पहल दूरगामी असर वाली तो है ही, इनसे यूपी में अमन चैन का माहौल कायम होगा और दूसरे राज्य इससे शासन का तरीका सीखेंगे। योगी आदित्यनाथ की पहल से साफ हो गया है कि वो बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश को देश का सबसे सुशासित और शांतिपूर्ण राज्य बनाने के अपने संकल्प पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उनके प्रशासन की नज़र केवल अपराधियों, माफिया तत्वों, अवैध कब्जाधारियों और गड़बड़ी करने वालों की ही पहचान करेगी। धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ये उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। उत्तर प्रदेश के माहौल में आया ये जबरदस्त अंतर अब देश भर में लागू करने का समय है। योगी के शासन का ये तरीका समाज विरोधी तत्वों में खौफ पैदा कर रहा है, वहीं अपराधियों की हिम्मत भी टूट रही है। अब गड़बड़ी करने वाले जानते हैं कि उन पर शासन की निगाह है और वे गड़बड़ी कर बच नहीं सकते हैं, इसलिए वे शांत पड़ गए हैं। दूसरे राज्यों को भी इससे सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि योगी के शासन का इकबाल अब दिखने लगा है। यदि इस तरह के आदेश हर राज्य के मुख्यमंत्री लागू कर दें तो फिर देश में सांप्रदायिक तनाव की बातें इतिहास के पन्नों में समा जाएगी। तब न किसी बुलडोजर की ज़रूरत पड़ेगी और न ही सियासत का रंग ढंग धर्म और संप्रदाय को देखकर चलेगा। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन का ये अंदाज देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए मिसाल बन सकता है और यदि इस मिसाल को अपना लिया जाए तो फिर भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।